हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैं IBPS PO का गाइडली का मॉक देने वाला हूँ। गाइडली का मॉक मैंने ख़रीदा था और मुझे इसके क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम लेवल लगते हैं। इवन ग्रेड अप के भी एग्ज़ाम लेवल हो गए हैं। मैंने दोनों ही ख़रीदे हुए हैं और दोनों ही सस्ते पड़े थे मुझे। ग्रेड अप का शायद 66 रुपीज़ में मिला था 1 ईयर का, और गाइडली का शायद 77 या समथिंग 100 के अंदर था। तो एक साल के लिए तो ठीक है, और मुझे एग्ज़ाम रेलेवेंट लगे दोनों ही, ग्रेड अप भी गाइडली भी। तो आज मैं गाइडली का देने वाला हूँ, IBPS PO का लाइव मॉक। तो इसके कुछ तो मैंने दिए हुए थे, अब मॉक नंबर 3 देने वाला हूँ मैं आज। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। ठीक है, ये है ब्लैंक क्लोज टेस्ट। 26 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन स्कॉटलैंड मे नॉट हैव ए सिग्निफिकेंट आउटकम एज येट इन साइट। प्रायर टू द समिट देयर वॉज अ डैश अटेम्प्ट बाई लीडर्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, पर्टिकुलरली द US एंड समिट होस्ट द यूनाइटेड किंगडम टू हैव मोस्ट कंट्रीज एग्रीड ऑन मिड सेंचुरी नेट जीरो गोल। ओके, तो देयर वॉज अ डैश अटेम्प्ट, फ्रेंटिक डिस्पैरेजिंग गशिंग अटेम्प्ट। अटम कैसा हुआ? गशिंग, डिस्पैरेज अटम, फ्रेंटिक भी हो सकता है, गशिंग वाटर होता है, तो फ्रेंटिक कर रहा हूँ अभी तो। अटम टू हैव मोस्ट कंट्रीज इतना, और व्हेन एमिशन डिप टू नियर जीरो और आर डैश बाय टेकिंग आउट एन इक्विवेलेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एमिशन डिप टू नियर जीरो और आर बैलेंस्ड और आर बैलेंस्ड ऑफ, बैलेंस इन बैलेंस्ड आउट बाय टेकिंग। समिट होस्ट द यूनाइटेड किंगडम टू हैव मोस्ट कंट्रीज एग्री ऑन मिड सेंचुरी नेट जीरो गोल, और व्हेन एमिशन डिप टू नियर जीरो और आर एट बैलेंस आउट बाय टेकिंग आउट एन इक्विवेलेंट फ्रॉम द एटमोसफियर, और आर बैलेंस्ड इन बाय टेकिंग, बैलेंस्ड इन लग रहा है। सी दिस पुट चाइना इंडिया बोथ मेजर ऑन डिफेंसिव एंड दे डैश मोस्ट स्ट्रांगली ऑन इशूज सच एज क्लाइमेट इक्विटी एंड जस्टिस, एंड दे डग एट वंस हील्स मोर स्ट्रांगली दे टेक ऑन टू। अरे ये सारे इडियम्स हैं। दे डग अंडर वंस हील, ये जाने दे रहा हूँ, गलत हो सकते हैं ये। डी देयर आर्ग्यूमेंट दैट द क्लाइमेट क्राइसिस इज लार्जली ड्यू टू द वेस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ए सेंचुरी ऑफ डैश कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, बिकॉज ऑफ ओवर ए सेंचुरी ऑफ ड्यूबियस कार्बन डाइऑक्साइड emission, and so those country must bear the lion's share of dash, lion's share of repayment in the form of finance and assets to clean, reparation होगा, share of reparation in form of इतना। F है, is an old one, enshrined over the years in earlier COP meeting. Lion's share of preparation in the form of finance and access to clean technology is an old one and enshrined over the years in earlier COP meeting. COP gathering, COP Glasgow parties था ये तो। Deliberation तो नहीं होगा, इन अर्लियर COP मीटिंग ही ठीक लग रहा है। ये क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द सेम विद द करेक्ट वन। ओके, इवन एज ए स्मॉल अपटेक इन डेली फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। इंडियन जेनोमिक्स कंसोर्टियम हैज सेड नो न्यू वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न हैज बीन सीन, और न्यू वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, नो न्यू वेरिएंट्स हैव बीन सीन इन इंडिया।
कंसर्न्स नहीं आएगा, कंसर्न आएगा, नो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न हैव बीन सीन एट इंडिया नहीं आएगा, कंसर्न हैव बीन सीन इन इंडिया आएगा, पद्मश्री अवार्डी एंड लेजेंडरी बंगाल वीवर रिप्रेजेंटेड ए स्पेशल साड़ी टू रिप्रेजेंटेड प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड ए स्पेशल साड़ी टू इन व्यू एट फ्रेश इंसिडेंट्स इन व्यू ऑफ फ्रेश इंसिडेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग इन व्यू एट नहीं आएगा, इन व्यू ऑफ आता है। कवर्ड इन ए थिक लेयर ऑफ स्मॉग दिल्ली कंटिन्यू टू चोक एज द एयर क्वालिटी दिल्ली कंटिन्यूज टू चोक एज द एयर क्वालिटी रिमेंड सीवियर। ठीक है। ए 25-year-old वुमेन डाइड आफ्टर ब्लड ऑफ रॉन्ग ग्रुप वॉज एलिजली एडमिनिस्टर्ड टू हर एट ए हॉस्पिटल 25-year-old वुमेन डाइड आफ्टर ब्लड ऑफ रॉन्ग ग्रुप डाइड आफ्टर डाइड फॉर ब्लड ऑफ रॉन्ग ग्रुप डाइड वेन ब्लड ऑफ रॉन्ग ग्रुप वॉज एलिजली एले डाइड आफ्टर ब्लड ऑफ रॉन्ग ग्रुप्स नहीं रॉन्ग ग्रुप्स नहीं डाइड आफ्टर ब्लड ऑफ रॉन्ग ग्रुप वॉज ब्लड ऑफ रॉन्ग मिस्टर सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये ब्लैंक्स हैं। अच्छा, द प्रेसिडेंट रिसीव्ड डैश फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु डिसएग्रीड विद हिज ट्विटर स्टेटमेंट रिसीव्ड बैकलैश आ सकता है। बैकलैश फ्रॉम द कम्युनिटी इज लाइकली सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल विल डिसएग्री। ठीक है, बैकलैश सही है। इट डज नॉट टेक मच टू एग्रवेट माई डैश नेबर हु इज एनोयड बाय एनी लिटिल नॉइस मच टेक टू एग्रवेट माई डैश नेबर कौन सा होगा? इरेसिबल जेनियल ओबीडियंट नेबर बिकॉज चार्ल्स इज वेरी डैश यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ वॉट यू से टू हिम। जेनियल का मीनिंग तो जीनियस होता है ना, इरेसिबल हो सकता है। इरेसिबल यानी कुछ होगा जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिकॉज द ट्रीटी बिटवीन द टू नेशन इज़ वेरी डैश इट मे बी डैमेज ड्यू टू प्रेसिडेंशियल मीटिंग क्या होगा? वेरी फ्रजाइल। माई मदर ग्रैंड मदर हैज़ एक्सट्रीमली फ्रजाइल हेल्थ सो शी सीज डॉक्टर फ्रजाइल ही आएगा। मैरी विल कंटिन्यू टू गिव आउट फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड डैश द लाई इफ यू डू नॉट टेल हर द ट्रूथ अबाउट योर एबसेंस डू यू गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड डैश एंड एक्लेम द लाई हाँ perpetuate during the drought the farmers were concerned about not being able to dash the growth of their crops not being able to perpetuate yani aage badhna not being able to badhaing the growth of their crops ye kya hai error as part the punjab government has announced compensation of 2 lakh rupees to those who are arrested by Delhi police after a tractor march against the center's 3-farm law on 26 January. Punjab government has announced compensation of rupees 2 lakh to those who are arrested by Delhi police after a tractor march against the center's 3-farm laws on 26 January. नो एरर लग रही है, नो एरर है क्या इसमें? यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द एरर फॉर एरर तो है किसी में लेकिन इसलिए स्किप करते हैं। दिल्ली इज रीलिंग फ्रॉम द वर्स्ट डेंगू आउटब्रेक सिंस इतना द सिटी हैज़ रिकॉर्डेड केसेस एंड 20% ऑफ देम अमॉन्ग चिल्ड्रन आर लेस दैन 14 ईयर ऑफ एज द सिटी हैज़ रिकॉर्डेड इतना केसेस एंड 20% ऑफ देम अमॉन्ग चिल्ड्रन आएगा ना एंड 20% ऑफ देम among children and 20% of them among ये गलत है डी डी गलत है ड्यूरिंग द हैवी रेन्स थ्रू आउट द वीक इन चेन्नई एंड अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु रेस्क्यू पर्सनल नॉट ओनली सेव्ड पीपल बट एनिमल एंड स्नेक एज वेल नॉट ओनली सेव्ड पीपल बट ऑल्सो कहाँ गया भाई ऑल्सो आएगा एज वेल की जगह ई बट ऑल्सो एनिमल एंड स्नैक्स। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्य सेड द पूर्वांचल एक्सप्रेस विल बी द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी
ऑफ द स्टेट्स ईस्ट रीजन या ईस्टर्न रीजन एंड इट्स इनॉग्रेशन विल बी इन ए ग्रैंड वे अकम्पनीड बाय एन एयर शो। ये मैं ईस्टर्न आएगा, ईस्ट तो डायरेक्शन होती है ना, ईस्टर्न रीजन, तो ये है सी, सी में रह रहा है। फॉर रिप्रेजेंटिंग, अच्छा ये आपको रिप्लेस करने हैं, फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, फॉर डैश एन एप्लीकेशन, फॉर फिलिंग एन एप्लीकेशन आएगा बी। ए कॉर्पोरेट डेबिटर शुड गेट एन अप्रूवल फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 66 इन वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डेब्ट। ठीक है, तो ए बी ए बी ए बी ए बी फाइनेंशियल डेट एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है ए बी, सॉरी ए सी आएगा, ए सी इन द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डेब्ट, ए सी आएगा। इंडियाज़ फैक्ट्री रिसर्जेंस ग्रू एट इट्स वीकेस्ट पेस इन 7 month इन मार्च एज डैम्पन्ड लॉकडाउन्स टू कर्टेल एक्टिविटी इन COVID-19 केसेस रिन्यूड डोमेस्टिक डिमांड। इंडियाज़ फैक्ट्री रिन्यूड रिसर्जेंस ग्रू, ए तो ठीक लग रहा है, एज डैश लॉकडाउन एज एज डैम्पन्ड लॉकडाउन्स टू कर्टेल एक्टिविटी टू कर्टेल रिसर्जेंस इन कोविंड इंडियन फैक्ट्रीज एक्टिविटी ग्रू, ए और सी, ए और सी, बी डी भी चेक करता हूँ। एज रिन्यूड लॉकडाउन्स टू कर्टेल रिसर्जेंस इन केसेस डैम्पन्ड डोमेस्टिक डिमांड, रिन्यूड डोमेस्टिक सही है, सिर्फ ए सी में है। एज इंडिया ग्रेपल्स विद द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 केसेस डॉक्टर गुलेरिया हैज़ बिन फ्रेमिंग टू द कंट्री, ग्रेपस तो सही है, जूझ रहा है। हैज़ बीन फ्रेमिंग टू द कंट्रीज डिजीज रिस्पॉन्स एज हेड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च ग्रुप ऑफ नेशनल COVID-19 टास्क फोर्स, ही इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन डैश ट्रीटमेंट पॉलिसीज, ही इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन फ्रेमिंग ट्रीटमेंट पॉलिसीज, हैज़ बीन सेंट्रल सेंट्रल डी की जगह पे बी, डॉक्टर ग्रे हैज बीन सेंट्रल टू दिस कंट्री इन फ्रेमिंग हैज रिस्पॉन्सिबल हेड ऑफ द इन सेंट्रल हैज बीन डी के साथ ए इन एज इंडिया सेंट्रल लाइन, यही लग रहा है। डॉक्टर ग्रे हैज बीन framing to the country has been central to the country disease response, country disease framing has been response has been central, ye lag raha hai. Although the state government's latest restrictions similar at breaking the spread of COVID-19 infection stopped short of a lockdown, migrant workers said the measures are similar to last year, similar aayega sahi pe, and therefore would affect their wages, BC. RC. Which of the following connectors would replace the highlighted set connector whereas have come? This taxation policy deprived the state of important resources. To partly compensate for decline of direct taxes, the government has increased indirect taxes unfairly, so whereas they affect all Indians irrespective of their income, so therefore unfairly so and they affect all Indians yet However, नहीं आएगा बिकॉज दे अफेक्ट ऑल इंडिया डिप्राइव द स्टेट ऑफ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज टू पार्टली कंपनसेट फॉर डिक्लाइन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द गवर्नमेंट टू कंपनसेट डिक्लाइन द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज इनडायरेक्ट अनफेयरली सो दे बिकॉज दे अफेक्ट नहीं आएगा हाउएवर येट एंड वेयर एज दे अफेक्ट नो रिप्लेसमेंट। अब हम पढ़ते हैं पूरा आरसी।
Which of the following statement is true as per the context? In 2017, fortune of India's 100 richest tycoon decreased by itna. At COP26, which concluded in itna, India rightly emphasized that rich countries should help poor countries develop their renewable energy capabilities. But the West is likely to be selfish in paying all its due, and poor countries may well have to help themselves to make them transition that society. Itna, one source of funding could well be the well of citizen of India dash. In 2018, Oxfam report revealed that 10% of richest Indian garnered 77.4% of nation's wealth. India's 100 richest की बात है ना, ये तो दूसरा है. In fact, according to report, 58% of India's wealth was in the hands of 1% of country's population. About 1% of world population controls 50% of world's wealth. The combined income of this handful of people in 2017 was almost as much as India's budget in that year. In 2017, fortune of India leaped by 26%. ये सही है, पहला सही है. पहले के साथ दूसरा चेक करना पड़ेगा मुझे. IIFL Wealth Run 2019 identified 953 poorest family. मैं सीधा देख ही लेता हूँ यहाँ से जाके. हाँ, ये आइडेंटिफाइड 953 richest family आना था. ये poorest बोल रहा है तो ओनली वन है करेक्ट, क्योंकि वन के साथ कुछ और है नहीं. तीन है नहीं तो तीन में चेक नहीं करूँगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. अकॉर्डिंग टू क्रेडिट स्विस, द एवरेज वेल्थ ऑफ मिलियनेयर इन द वर्ल्ड हैज इंक्रीज. वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ नरेंद्र मोदी वाज टू रिप्लेस हेल्थ टैक्स एज इतना स्ट्रेस दैट पुअर कंट्री शुड हेल्प. नहीं, ये तीसरा तो नहीं है ट्री. तीन के साथ है कुछ और नहीं है, तो ये दोनों सही हैं. नॉट ट्रू पूछा है ना. इंडिया राइटली एम्फेसाइज रिच कंट्री शुड हेल्प, है ना, दैट पुअर कंट्री शुड हेल्प नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स ऑफ 2019 बजट इज इनकरेक्ट. बजट भैया किधर है बजट. The union budget has been geared towards pleasing the middle class. In itna budget, the income tax exemption limit jumped from 2 lakh to 2.5 lakh. The income exemption jumped from 2 lakh to 2.5 lakh. ये तो सही है. Incorrect पूछा है. फिर है. And the rate, tax rate for incomes up to 5 lakhs was reduced from 10 to 5%. Tax rate for income below नहीं है, below up to हो गया ना, was reduced from below यानी 5 लाख से कम और up to यानी 5 लाख तक. अभी और पढ़ते हैं आगे क्या है. The tax on income of rupees 10 lakhs dropped from इतना to इतना. Tax on income of 10 lakhs dropped from 110 to 102 इतना. ये तो सही है. Budget had been made to benefit the middle class people. प्लीजिंग भी मिले, ये भी सही है. तो मेरे ख्याल से ये होगा. ऑल आर करेक्ट मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है टैक्स रेट फॉर इनकम्स अप टू 5 लाख वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 to 5%, और यहाँ पे लिखा है टैक्स रेट फॉर इनकम्स बिलो 5 लाख. बिलो 5 लाख सही है, फिर ऑल आर करेक्ट ही है, क्योंकि बिलो 5 लाख यानी अप टू 5 लाख ही हुआ. मतलब फाइंड द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ऑप्शन कहाँ पर. अच्छा, इस ब्लैंक में, इस ब्लैंक की बात कर रहा है मेरे ख्याल से. बट द वेस्ट इज लाइकली टू बी सेल्फिश. अच्छा, ये है जो इटैलिक में है वो. बट द वेस्ट इज, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, बट द वेस्ट इज लाइकली टू बी सेल्फिश इन पेइंग ऑल इट्स ड्यू एंड पुअर कंट्रीज मे वेल हैव टू हेल्प देम सेल्फ. देखो यहाँ से, बट द वेल्थ वेस्ट इज लाइकली टू बी सेल्फिश इन पेइंग ऑल इट्स ड्यू एंड पुअर कंट्रीज मे वेल हैव टू हेल्प देम सेल्फ टू मेक. ये गलत है. हेल्प के बाद टू नहीं आता कभी भी, बेर इन्फिनेटिव आएगा. तो ऐसा आएगा मे वेल हैव टू हेल्प देम सेल्फ मेक द ट्रांजिशन दैट सोसाइटी नीड्स. Which of the, what was the biggest reduction in 20 years, 28 years according to author? 28 किधर है? 28 years, 28 year.
यानी देन द कॉर्पोरेट टैक्स वॉज लोअर्ड फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज फ्रॉम 30% टू 22% एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म कॉर्पोरेटेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 स्टार्टेड ऑपरेशन बिफोर इतना फ्रॉम 25% टू 15% द बिगेस्ट रिडक्शन। तो कॉर्पोरेट टैक्स है क्या, रिडक्शन इन डायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्स। The corporate tax was lowered for existing companies from 30 to 22 and for manufacturing firm incorporated after itna has started before from itna in a corporate tax ki baat hai. Complete the passage. One source of funding would well be the well of citizens of India who are getting richer and India those whose forefather were नहीं, ये आएगा दोस्ट हु आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। ये 16 वाला कौन सा था, ये एरर ना। पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस कंपनसेशन ऑफ इतना टू दोस्ट हु अरेस्ट बाय दिल्ली पुलिस आफ्टर अ ट्रैक्टर मार्च अगेंस्ट दी सेंटर्स। मुझे तो नो एरर लग रही। अच्छा मैच चालू हो गई है। मैथ में हम पहले स्पीड मैथ वाले करेंगे क्वेश्चन। डी आई को मार्क फॉर रिव्यू, को भी मार्क फॉर रिव्यू। 576 यानी 24 डिवाइड बाय 3 डेट इज 8 इंटू 1080 माइनस 48 इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, दो साथ में 32, 2 रेस टू 5 4 एक्स प्लस 30 माइनस 53 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ 53 ऐड करो तो 78 और 30 माइनस करो 68 4 20 17 17 4 से होता है ना, 17 है नहीं 25 और 53 8 78 माइनस 30 48 12 था। 510 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 105 माइनस 210 इक्वल टू 364। 105 तो 315 माइनस में यानी 5, ये 0 10 में से 1 गया 9 4 इतना 195 और यहाँ माइनस करो 9 6 125 प्लस 45 डेट इज 170 माइनस 70 यानी 100 का रूट 10 बाई एक्स 10 बाई एक्स इंटू 30 इज इक्वल टू 20 टू 5 15। ये है आपका 3 1/4 प्लस 1 1/8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 1/4 प्लस 1 1/8। 1 by 1/8 तो इधर से कैंसिल हो जाएगा। 20 21/4 माइनस 12 13/4 7 8 8 by 4 2। ये मार्क फॉर रिव्यू कितने है? 3 DI दिए हैं इन्होंने। ठीक है अब हम करेंगे ये करें या DI करते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं DI करते हैं। इसमें तो कैलकुलेशन लग रही है, पहले मैं ये करूँगा। 5 यानी 1 5 17 53 160 वन डैश 15 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 नहीं 3 प्लस 1 3 9 51 59 प्लस 62 3 प्लस 2 3 फिर क्या आएगा 51 प्लस 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 हो रहा है तो इसमें क्यों नहीं। हाँ 3 3 18 प्लस 2 485
203 262, डिफरेंस लेता हूँ 3 4 43 103 7 47 153 53 203 7 8 9 59 4 3 और 3 6 7 53 है, ये तो 6 हो रहा है, क्या गड़बड़ कर दी है। 557 है, 567 प्लस 4 है, तो फिर से 6 करो, यानी 363 ऐड करो, 262, तो 325, 325, 323 होगा फिर उसका आर्टिकल के। 451 28 12 डैश, ये क्या है भाई साहब, सत्ताईस 12 6 16, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4, प्लस 1 माइनस, ये प्लस 25 और करो, क्यूब जा रहे हैं क्या ये, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, अच्छा क्यूब स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 125 और ऐड करना पड़ेगा, 137, 16 36 61 91 126 डैश, 20 36 4 5 5 में से 25 61 30 91 5 35 और ये 40, यानी 164, मतलब 166, ये है 16 24 42 72 116 डैश, 4 4 8 24 6 7 8 18 42 यानी 30, 72 4 3 44 10 2 20 12 और 14 और 16, 50 60 और जोड़ो 176, ये कर लिया। ये डी आई गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर्स लेजर एंड इंक जेट सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर्स सोल्ड इतना, प्रिंटर इतने हैं, एक वन क्या है 810 है, 810 टोटल है, ठीक है। फिर इन्होंने ये तो दिया, हाँ ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी ई ई के दिए हुए, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर शॉप में ई इज 810, यानी 15% इज 810, तो वॉट अबाउट 100%, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 3 27 ज़ा, यानी ये हो गया 14 54 00, 100% है 54। इफ़ द नंबर ऑफ लेजर प्रिंटर सोल्ड बाई ए एन सी इज इतना इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंक जेट प्रिंट ए एन सी, ए का पहले टोटल पूरा निकालो, 20% यानी 8 108, 1080 हुआ ना, 8 10, हाँ ए का तो ये रहा, सी का कितना है 15%, सी का तो होगा 810 ही होगा क्योंकि ई का भी 15% ही है, और पूछा है इसमें ए और सी के लेज़र के इतने हैं, तो बाकी के पूछे बताना है, 660 02 4 420 इधर और 810 में 480, यानी 0 2 1 3 7 में से 330, ये होगा 750, अच्छा रेशियो पूछा है, 3 14 3 11 14:11, टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर सोल्ड बाय बी एंड ई इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी और ई, बी का 10 है, ई का 15 यानी 25 है, इस कितना मोर देन ए, ए का 20 है यानी 5 ज़्यादा है 20 से, 1/4 25%। इफ द रेशियो टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर सोल्ड टू अनसोल्ड इन बी इज 9:2, बी बी के 10% है यानी 540 और 9:2 यानी ये 11, सोल्ड अनसोल्ड इतना है, ठीक है, मैं सोल्ड और अनसोल्ड ले रहे,
एंड टोटल नंबर ऑफ लेजर प्रिंटर मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इज 60 मोर देन डेट ऑफ इंक जेट। ठीक है ठीक है, 60 मोर है इंक जेट से। 0448 480 बचे, यानी 240। 240 तो ये गए, यानी ये 300 है और ये 240 है, यानी 60 मोर हो गए। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ इंकजेट प्रिंटर मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। 240 है, ये रेशियो काहे के लिए दिया है, परेशान करने के लिए। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर डी और ए। डी का है येलो 40 और ए का ये 20%, यानी 1080। फाइंड दी रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर सोल्ड बाय डी। डी है 40 टू टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर सोल्ड बाय सी एंड ई। सी का है 15 और ई का 30, 4:3। अब ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए और बी का दिया हुआ है। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिविल डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज सी। सिविल में सी में कितने, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 10 का गैप है, यानी ये है 190 टोटल स्टूडेंट, और बोल रहे हैं इस 20% लेस देन बी। बी एंड ये कैसे, बी टोटल नंबर कॉलेज बी सी के, अच्छा सी तो दिया नहीं है ना हमको, सी हमारा है 20% लेस, यानी 4/5 ऑफ बी। बी में कितने हैं, 250 हैं, यानी 4 से जाएगा, नहीं ये तो बड़ा वैसा है, ये बन गया ठीक है जो भी है। अच्छा 4/5 200 हैं। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन सिविल डिपार्टमेंट सी इज 5:3, 8। नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिविल डिपार्टमेंट, गर्ल्स है 3/8 अपॉन ये, तो 2 से 4 4 25 75। फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सिविल डिपार्टमेंट इन ए। सिविल डिपार्टमेंट इन ए 190 टू ए एंड बी, अच्छा तो ये कितना था ऊपर, 200, यानी 390। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एफ टी डिपार्टमेंट ए। एफ टी डिपार्टमेंट इन ए इज 200, 2 से गया तो 2 से तो कहीं जा ही नहीं रहा है, 39 कैसे हो रहा है। फाइंड द रेशियो टोटल नंबर स्टूडेंट सिविल डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज ए एंड बी टुगेदर। तो 190 तो हुआ, ये 10 का गैप है ना, 10 20 30 40 50, हाँ तो 190 और 250 है, सॉरी सॉरी 250, यानी 4 3 440 और 200, तो 2 से 10, 2 से 11, 2 से 22, यानी 11:5। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन सी एस सी डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज ए एंड बी इज 3:2, और इधर कितना है, 2:1। बॉयज पहले हैं सी एस सी ए ऑफ कॉलेज ए एंड बी। सी एस सी में है 150 ए में, और बी में है आपके 210। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सी एस सी डिपार्टमेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये होगा 3/5, यानी 530। 90 तो इधर है, और 2/3 यानी 7140 ए, यानी 3 230। फाइंड द डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई सी डिपार्टमेंट ऑफ बी। ई सी बी में है 150 एंड टोटल नंबर ऑफ ई सी डिपार्टमेंट एंड ई डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज ए, इसमें है आपके 250 ए में, और डब ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल में ए में है आपके 10 20 जोड़ो, यानी 270। 500, और ये 520 - 150, 5 6 7, 4 में 370। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज बी। इलेक्ट्रिकल में बी में है 1 2 3, 30 जोड़ो, यानी 180। इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ई सी एंड सी एस सी डिपार्टमेंट ऑफ ए। ई सी में है आपके 250
और CSE में है 150, 300, 400, 2 से 20, 2 से 9, 9:20। अच्छा क्या बोले, परसेंटेज इंटू 5, 45%। ये हुआ, एक और DI थी ना, कहाँ गई, इसमें कैलकुलेशन थी बहुत ना। टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड, नंबर ऑफ बनाना आइसक्रीम सोल्ड, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैंगो टू कोकोनट, भैंस की टांग, ABCDE, 700 ये हैं। अब बनाना के हैं 200, तो बचे कितने, 500, 500 यानी ये 300 हैं और ये 200 हैं, मैंगो एंड कोकोनट। फिर है बनाना के 150, तो बचे कितने, 0, 0, 300 बचे यानी ये 200 और ये 100। फिर हैं 300 हैं बनाना के सी में, तो ये हो गए 600, 1.5 बाय 2 यानी 300, 300 हैं। फिर ये हैं 140 डी में, तो 0, 0 और 400 1/10 यानी 40 से करना है, 40 इंटू ये 280 और 40 120, 300, 400 हो गए। ठीक है, ये 260 हैं, 0, 0, 4 1/4 ये 300, इजी था कैलकुलेशन करना ये। सो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। इफ द रेशियो ऑफ बनाना मैंगो कोकोनट आइसक्रीम सोल्ड बाय एफ इज 5:3:2, ठीक है भाई, बनाना मैंगो कोकोनट रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ मैंगो आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप एफ इज 3/5, मैंगो की बात कर रहा है, 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट आइसक्रीम सोल्ड बाय बी, कोकोनट है 100 यानी 20, 60 है ये, 60 है यानी 20 से मल्टीप्लाई होगा, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, 8, 9, 10, 10 × 20 200। नंबर ऑफ कोकोनट आइसक्रीम सोल्ड बाय सी 300 इज हाउ मच मोर और लेस मैंगो आइसक्रीम डी 280 यानी 20 ज़्यादा है 280 से, तो 1/14 हुआ, 1/14 की, अच्छा 20 मोर। फाइंड द रेशियो टोटल नंबर बनाना कोकोनट सोल्ड बाय ई, बनाना कोकोनट ये हो गया 360 अपॉन नंबर ऑफ मैंगो आइसक्रीम ए 300, 3 10s are 3 12s are 2 6s are 2 5s are 6:5। टोटल नंबर ऑफ बनाना आइसक्रीम सोल्ड बाय ए डी, बनाना 200 और 460 इज व्हाट परसेंट मोर देन मैंगो इन बी, 200, 2 से 10, 2 से 23, तो 13 ज़्यादा है 10 से यानी 130%। ए और डी का बनाना यानी 460 इज मोर देन द नंबर ऑफ मैंगो इन बी, 200 है ना, कितना ज़्यादा है 10, 2 से 2, 23, 13 ज़्यादा है 10 से भाई, 130% होना चाहिए ना, क्या गड़बड़ हो रही है। टोटल नंबर ऑफ बनाना आइसक्रीम सोल्ड बाई ए डी टुगेदर, अच्छा ए डी है ये, हो गया 340 और ये 200, 2 10s are 2 17s are, 7 ज़्यादा है 10 से, 70% है। इन शॉप सी द सेलिंग प्राइस ऑफ बनाना मैंगो इज 20 एंड 30, इफ द टोटल अमाउंट बाय सेलिंग ऑल द आइसक्रीम इज इतना, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कोकोनट, ठीक है, बनाना का है 20, मैंगो का है 30, बनाना कितने हैं सी में 300 हैं और मैंगो हैं, मैंगो भी 300 ही हैं, ये तो 1:1:1 हो गया ना रेशियो, तो 20 + 50 + x / 3 इज इक्वल टू कितना बता रहे हैं, 18 के, तो ये हो जाएगा 54,000 माइनस, शॉर्टकट के चक्कर में ये गलती करूँगा मैं देसी करता हूँ, ये तो हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा आपका 9,000 और ये ये कितने 300 x मान लेते हैं और ये 18,000, 15,000 माइनस करो तो 3,000 / 300, 10, 10 रुपली,
ये कर दिए मैंने। अब हम करेंगे अरिथमेटिक के हल्के फुल्के वाले, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। मार्क प्राइस ऑफ ए लैपटॉप इज़ 40% मोर, यानी 2/5, यानी 5 से 7 है। एंड शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ x% इफ़ ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 5%। ये है 5%, यानी 21/20। और यहाँ पे हम 7 और कर दें, यानी 7 3 ज़ा और ये 4 ज़ा। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है? एक का डिस्काउंट दे रहा है 4 पे, यानी 25%। रेशियो ऑफ ए टू बी इज़ इतना, एंड परसेंटेज ए टू बी इज़ 7:8, एंड सी इज़ 25% मोर ऑफ बी, 1/4, यानी 2 ज़्यादा है, यानी 10 है। डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज़ 15, 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, बी की हो जाएगी 40 आफ्टर 4 ईयर्स, 44, 36, 36। चलो हो गया मेरे ख्याल से टाइम, अब हम रीजनिंग करते हैं। पजल बाद में, 5 तो ये हम, हाँ ये करेंगे हम। पी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ वाई एंड 5 मीटर साउथ ऑफ एन। आर इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ एन, वेस्ट यानी आर इधर है 6, एंड यू इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ वाई, 7। यू इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ वाई, ठीक है। एंड 4 मीटर वेस्ट ऑफ जी, 4 मीटर वेस्ट ऑफ जी, जी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ के विच इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एस, 8 4, यहाँ पे एस एस इज 8 मीटर साउथ ऑफ वी, 8 मीटर साउथ ऑफ वी, 3 तो ये रहा, और 5 ये कर लेते हैं, 5 है ये यहाँ पे वी है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज ई पॉइंट यू विद रिस्पेक्ट, अच्छा यू वी के, यू 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 किधर है? हाँ यू इधर है, नॉर्थ ईस्ट में है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी एन एस, पी इधर है, एस किधर है? इधर है। ये 3 है, ये कितना होगा? ये 4 है, ये 5 होगा, 5। पॉइंट एल मिड पॉइंट ऑफ जी के, एल यहाँ पर, ठीक है 10 है ना, तो 5 पर आएगा ये, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एल, 3 और 2 5, यानी ये नॉर्थ ईस्ट होगा। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट वाई विद रिस्पेक्ट टू एल, ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट, सॉरी। हाँ ये बाद में, ये भी भाई साहब बाद में ही करूँगा मैं। क्या 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 क्या, ये नंबर वाला तो कर सकते हैं ना। नंबर द डिजिट्स आर इवन पोजीशन आर ड्रॉप्ड एंड रिमेनिंग, अच्छा 2 8 9 3 5 4 8 3 7 5, और बोल रहा है क्या इवन पोजीशन पे ड्रॉप करने हैं ये। देन अरेंज असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो पहले 2 ही आना है, फिर 3 आना है, 3 है नहीं लेकिन हमारे पास, तो 2 2 के बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, 1 2 3 4 5, 1 मिनट, 2 5 7 हो गया, 8 बचा है, 8 9। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, 8, इसको बाद में करूँगा, सर्टेन नंबर वाई बाद में। ऑल मिंत्रा आर अजियो, सम अजियो आर फ्लिपकार्ट, ओनली फ्यू फ्लिपकार्ट आर अमेजोन, नो अमेजोन इन लेंसकार्ट। सम फ्लिपकार्ट इज नॉट लेंसकार्ट, सम फ्लिपकार्ट आर नॉन, हाँ सही है। ऑल अजियो इज लेंसकार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल अजियो इज लेंसकार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल है। क्या पूछा है? डिस्पेयरली लॉजिकली फॉलो बोथ फॉलोज,
सम प्लैनेट्स आर अर्थ, ओनली फ्यू अर्थ इज सन, ओनली सन इज गैलेक्सी। ठीक है भाई, नो सन इज मिल्की वे, सम अर्थ इज नॉट मिल्की वे, सम अर्थ इज नॉट मिल्की वे, यस। सम गैलेक्सी इज प्लैनेट इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं भाई, ओनली वन फॉलोज। सम साइंस इज नॉट मैथ, ओके। ऑल मैथ इज फिजिक्स, ओके। ओनली फ्यू फिजिक्स आर केमिस्ट्री, सम केमिस्ट्री आर स्टेटिस्टिक्स, सम मैथ इज केमिस्ट्री, सम मैथ इज केमिस्ट्री, डाउटफुल है। ऑल स्टेटिस्टिक इज साइंस इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्टेटिस्टिक इज साइंस इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है, हाँ, ओनली टू हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। नो गोल्ड इज ब्रॉन्ज, ओनली फ्यू ब्रॉन्ज आर सिल्वर, ऑल सिल्वर आर कॉपर, सम कॉपर आर डायमंड, ऑल गोल्ड आर डायमंड, ऑल गोल्ड आर डायमंड कह नहीं सकते, सम डायमंड आर नॉट गोल्ड, सम डायमंड आर नॉट गोल्ड ये भी नहीं कह सकते, तो नॉट गोल्ड इधर, ये क्या है, ये करेंगे बाद में। हाँ, 10% बाय सम क्वांटिटी ऑफ जूस, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जे बाइज मोर देन पी बट लेस देन एम, वेर एज एन बाइज मोर देन ओ बट लेस देन एल, पी बाइज मोर देन एल, 1 2 3 4 5 6 तो हो गए। पी बाइज मोर देन एल, के बाइज मोर देन एम, के इधर आ गया, बन गया के एम जे पी एल एन ओ। द वन हु बाइज द सेकेंड लीस्ट क्वान्टिटी बाइज 3 लीटर, वेर इज द वन हु बाइज द सेकेंड हाइस्ट 12 लीटर। ठीक है, हो द फॉलोइंग पर्सन हाइस्ट क्वान्टिटी के है, वट इज द एवरेज क्वान्टिटी ऑफ एम एल हु बॉट डबल द क्वान्टिटी ऑफ एन, एन का 6 है 3 है तो इसका 6 है, और एम एल का बोल रहा है 18, 18 का आधा 9 लीटर होता है। इफ द सम ऑफ द क्वान्टिटी एम पी इज 17, एम पी 17 है यानी ये 5 है, और डिफरेंस बिटवीन जूस ऑफ के 9 के पीज 9 9 यानी ये 14 है। हाउ मैनी लीटर्स जूस वॉज के, 14 लीटर्स। ये हो गया, अब हम पढ़ते हैं पजल। 9 पर्सन वर्किंग इन 3 डिपार्टमेंट, अकाउंट फाइनेंस एंड अकाउंट फाइनेंस आईटी, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4। ठीक है, ए वर्क्स विद ई बट डज नॉट वर्क इन आईटी, ए ई इधर कर देता हूँ, एक इधर कर देता हूँ। एफ डज नॉट वर्क विद ई, ठीक है, एफ ई के साथ नहीं है, एफ इधर एफ इधर एफ इधर कहीं भी आ सकता है। एफ आई आर वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट, एफ आई साथ में है, केस बना दूं क्या मैं, और बना देता हूँ, ए ई एफ ई साथ में नहीं, तो एफ आई इधर, एक में एफ आई इधर, एक में एफ आई इधर, एक में एफ आई इधर। ठीक है, आई डज नॉट वर्क इन फाइनेंस, तो ये केस गलत। ठीक है, फिर बी वर्क विद नीदर सी और ए, बी ए के साथ नहीं है, सी और ए, बी नीदर वर्क विद सी एंड ए। सी वर्क्स ओनली विद डी, सी डी तो फिर इधर ही आएंगे, सी डी इधर आएंगे, बी सी के साथ नहीं है, ए के साथ नहीं है, तो बी इधर आएगा, बी सी के साथ नहीं तो बी इधर आएगा। द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन अकाउंट डिपार्टमेंट इज मोर देन द नंबर आई टी डिपार्टमेंट,
तो यहाँ पे अभी और आने हैं। आई डज नॉट वर्क इन फाइनेंस। तो एच इधर आएगा, एक और बचा है, कौन सा है? 6 7 8, एक और बचा है, वो कौन सा है? ए ए बचा है, ए बी सी डी ई एफ जी। जी भी इधर ही आएगा, काउंट्स में ही आएगा जी। फिर एच आई है, यानी 4 3 7 8 9 हो गया। होम द फॉलोइंग पर्सन वर्क्स इन आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट में एफ आई बी है, एफ आई बी। इफ ए इज़ रिलेटेड टू एच, ए एच साथ में है, सी रिलेटेड टू डी इन सर्टेन वे, देन होम आई से एफ या बी। बी सी क्यों बोल रहा है ये? बी नहीं, सिर्फ सी आएगा। आई आई से रिलेटेड एफ या बी है, एफ। विच वन ट्रू? एफ वर्क इन फाइनेंस, हाँ सही, नहीं गलत है। सी वर्क इन आईटी, नहीं। ए वर्क विद एच, हाँ ये सही है। बोथ हैं, डी एंड आई वर्क इन सेम डिपार्टमेंट, डी आई नहीं। एच जी वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, नहीं गलत है, साथ में है, तो यही सही है। फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन वर्किंग सेम डिपार्टमेंट, बी आई, हाँ सही है। जी एच सही है, 1 2 है। डी जी नहीं है, एफ एच नहीं है, यानी 1 2। फोर ऑफ लाइक एफ ए, एफ ए में एक है, नहीं अलग है। सी ई, सी ई में भी अलग है। एच बी, एच बी में भी अलग है। आई सी, आई सी में अलग है। जी एच, जी एच साथ में है। चलो ये हुआ। सर्टेन नंबर लीनियर फेसिंग नॉर्थ, आर से 4 2 लेफ्ट ऑफ क्यू, 1 2 3 क्यू। क्यू ओ इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, एक मैं ओ इधर बना देता हूँ, 1 2 3 क्यू ओ इधर बना दिया। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन ओ आर एज बिटवीन ओ पी, एक तो पी, एक ओ आर ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पी। यू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ पी, 1 2 यू, 1 2 यू। थर्ड राइट ऑफ पी एंड सिट वन ऑफ दी एंड, ठीक है एंड पर हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू राइट ऑफ यू इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। आर सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ बी ओ, अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी, 1 2 1 2 बी। टी सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, इधर टी नॉर सी सिट एडजेसेंट टू आर या पी। टी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी और टी सी आर और पी के पास नहीं है। अगर टी 1 2 यहाँ नहीं, टी 1 2 नहीं, टी 1 2 टी नहीं, टी नहीं, टी 1 2, टी 1 2 सी यहाँ आ सकता है, टी 1 2 सी नहीं आ सकता, सी 1 2 टी नहीं आ सकता। इसमें देखें, टी 1 2 सी नहीं आ सकता, टी यहाँ नहीं, टी यहाँ नहीं, टी यहाँ नहीं, टी यहाँ नहीं, तो ये केस बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। होम द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, टी। होम द पर्सन 19 है। इफ वाई सिट एग्जैक्टली मिडल ऑफ पी एंड सी, वाई अगर यहाँ पे, देन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड आर, 1 2 3 4 5 6 7, सेम एज सिट 7 लोग हैं अभी, क्या है? सेम एज पर्सन सिट टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ क्यू, 1 2 3 4 5 6, और नहीं ये नहीं है। सेम एज बिटवीन बी एंड टी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये है। वॉट इज द पोजिशन ऑफ ओ रिस्पेक्ट टू टी, सेकेंड टू राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। टी एडजेसेंट टू क्यू सही है, तो एटलीस्ट 4% बिटवीन यू एंड सी, यू कहाँ है?
एटलीस्ट 4 मिनिमम 4 है, हाँ ज़्यादा ही है। तो पर्सन हु सीड इमीडिएट राइट ऑफ आर इज अननोन, हाँ ये भी सही है। एटमोस्ट 6% सीट बिटवीन बी टी, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये गलत है, मैक्सिमम नहीं है। ये कर दिया, अब हम करते हैं ये फैमिली वाला। इससे पहले एक ये थी ना, 8 गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर कैप्ट इन 8 बॉक्स नॉट नेसेसरी सेंट लोअर मोस्ट, इतना है टोरिंग इतना है, ठीक है। ये करूँ या फिर ये वाली करूँ, ये कौन सी है, हाँ ये करता हूँ ना। 8 पर्सन सिटिंग इन ए रन सर्कुलेटर फेसिंग सेंटर नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए सी थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। एक दो ए और ओनली 1 पर्सन ए और सी के बीच में, सी सी द वन हु सीट अपोजिट टू सी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ओनली 3 पर्सन बी एंड एफ, 1 2 3 एफ एफ, डी सीट सेकेंड टू राइट ऑफ एफ डी, यहाँ पे ये केस गलत, डी जी डज नॉट सीट एडजेसेंट टू डी, तो जी इधर आ गया, कौन सा बचा, ए बी सी डी ई एफ जी एच बचा। होम इन द फॉलोइंग पर्सन फेस द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट में जी है, जी को कौन फेस कर रहा है, ए द वन हु सीट सेकेंड टू राइट ऑफ बी, नहीं द वन हुज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, हाँ ये है। हाउ मेनी पर्सन एच और जी के बीच में मैन राइट ऑफ जी, 1 2 3 4 5, 5 राइट ऑफ जी से ना, 1 2 3 4 5 है। हुम द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई ई किधर है, 1 2 3 एच, व्हाट इज द पोजीशन एफ विद रिस्पेक्ट टू हु फेसिस एच सी, तो पोजिशन ऑफ एफ इमीडिएट राइट, आर ट्रू रिगार्डिंग डी डज नॉट सी एडजेसेंट टू एच, नहीं ये तो गलत है। बी सीट सेकेंड टू राइट ऑफ ई, हाँ ये ट्रू है, ट्रू पूछा है ना, डी डज नहीं ये तो गलत है, बी सी सेकेंड टू राइट ऑफ ई ये भी गलत है, जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी ये भी गलत है, ए इज एडजेसेंट टू एफ, हाँ ये सही है। ये हो गया, अब हम 3 मिनट में ये कर लेते हैं। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स एंड 2 मैरिड कपल, एम इज़ द मदर ऑफ टी, एम इज़ द मदर ऑफ टी, हु इज़ द फादर ऑफ ओ, टी इज़ द स्पाउस ऑफ एल, एन इज़ द नीस ऑफ वी, हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, हु डज नॉट हैव सिबलिंग एक्स, अरे क्या है ये, एन इज़ द नीस ऑफ वी, V who is the sister-in-law of M, ठीक है M इधर कर दिया मैंने, who does not, X is the male member, M इधर रहा, M का कोई पति होगा, उसका V होगा, वो X ही होगा, X X is a male member बोल दिया ना, और इनका एक, इसकी एक एन, ये भी 1 2 3 4 5 6 7, जेंडर पता नहीं चले, 2 मैरिड कपल तो हैं। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एक्स, ओ रिलेटेड ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, इधर ए अभी, होम द फॉलोइंग पर्सन इज सिबलिंग ऑफ टी, एन, इफ वी इज मैरिड टू वाई, हाउ इज वाई रिलेटेड टू टी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ना, जेंडर नहीं पता ना, देखते हैं, वी इज द नीस ऑफ बी हु इज द सिस्टर इन लॉ, यानी वी फीमेल है, तो इफ वाई इज वाई इज मैरिड, तो वाई हस्बैंड हो गया, वाई और टी के बीच में वाई हो जाएगा आपका अंकल होंगे ना, अंकल ये हो गया। इसके बाद ये वैसी क्या है, ये
वेलोसीपरेटर अल्पविक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज्ड. ओके बी ई एल ओ सी आई पी ए पी सी स्पेलिंग बैटरी लो ए बी नहीं है सी है डी नहीं है ई ए वन क्या करूँ इसको 83 को जाने देता हूँ हटाओ. तो गाइस ये आज ख़त्म हुआ आज का मॉक. मैं सबमिट कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं आलस कर रहा हूँ अभी करने में. वैसे भी हो नहीं पाएगा 20 सेकंड ही हैं इसलिए सबमिट करता हूँ मैं. देखिए 28 इंग्लिश में 27 क्वांट में और 29 रीजनिंग में. ठीक है तो अटेम्प्ट मैंने करे थे 84. स्कोर आया है 70.25. परसेंटाइल है 94.83% और रैंक है 258. मैं आपको बता देता हूँ क्या गलत हुए हैं. देखिए भाई साहब इंग्लिश में 10 गलत हो गए क्वांट में एक और रीजनिंग में सारे सही हैं. तो ये रहा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है. कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ ही गया है. परसेंटाइल भी अच्छी है 94.83. अब मैं इंग्लिश का एक बार और देखता हूँ क्या क्या है इसमें गलत मैंने क्या किया इंग्लिश में. ठीक है गाइस तो ये था आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग. बाय बाय.